तो वर्जन 1.6 में पैच फाइल ट्रिक थी जिससे बुलेट रजिस्टर और लैग फिक्स हुआ था, बट न्यू अपडेट में तो डाउनलोड सेक्शन ही चेंज कर दिया। और इसमें तो पैच अपडेट भी नहीं है, मतलब इस डिसिंक को लैग नहीं खेलना पड़ेगा। तो गाइस बिट के इस पार्ट पे आके हमें वापस से री रिकॉर्ड करना पड़ा और दूसरा मेथड बताना पड़ा, क्योंकि बीच में 5 MB का अपडेट आ गया था गेम में जिससे सब कुछ चेंज हो गया एकदम, जो कि यूज़र्स लोग के लिए अच्छा है बट हमारी स्क्रिप्ट वेस्ट हो गई यार 3 पेज की। तो बिना देर के चलते हैं फिक्स पे। जैसे नॉर्मल गेम रिपेयर होता है वैसे जाके आप गेम रिपेयर कर लीजिए और फिर वहाँ से आपकी जो पैच अपडेट और कोर पैच अपडेट फाइल्स है वो सब डिलीट हो जाएगी, और अगर नहीं डिलीट होती है तो हम उसको दिखा दे रहे कहाँ से डिलीट करना है। तो आपको एंड्रॉयड के डेटा फोल्डर, कॉम डॉट पबजी आई मोबाइल फाइल्स, UE4 गेम, शेडो ट्रैकर 2 बार सेव्ड, और वहाँ पे एक पैक्स फोल्डर होगा उसमें आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्मली कोर पैच टॉप में ही और गेम पैच रहते हैं, अगर वो रहेंगे तो उनको डिलीट करिएगा। हमने रिपेयर किया, मेरा नहीं था तो हम उसको कुछ नहीं डिलीट करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गेम खोलेंगे तो आपको एक 20 MB का अपडेट आएगा जिसको आपको हो जाने देना, और फिर आपका गेम रिस्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आते हैं लॉबी में। तो लॉबी में आने के बाद आपको सबसे पहले डाउनलोड फाइल जो है, डाउनलोड फाइल में आपको दिखेगा एक सिस्टम रिसोर्सेज है, वहाँ पे जाके आप सिस्टम रिसोर्स को सबसे पहले डिलीट कर दीजिएगा, और जैसे जैसे स्टार्ट होगा आपको हर बार इसको ऑफ़ करना रहेगा। तो बस यही ट्रिक है आपको, बस ये जाके डिलीट करना रहेगा। एक बार आपको गेम रिपेयर करना ही पड़ता है, फिर उसके बाद आप चाहे गेम ही से डिलीट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एंटी रिसेट है तो ये बार बार नहीं होता, बस आपको डाउनलोडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस कभी डाउनलोड भी हो जाता है तो बस आप उसको हर बार डाउनलोड उसमें रोक दीजिएगा। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग वहाँ पे जाके फाइल से क्यों डिलीट करते हैं, रिपेयर क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि फाइल से एक बार फ्रेशली डाउनलोड हो जाए और फिर उसके बाद हम उसको इंस्टॉल होने से पहले ही उसको डिलीट कर दें। वो एक बार इंस्टॉल भी हो जाती है लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप गेम में रहते हैं ना तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हर बार आप उसको डिलीट कर दीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। इससे पहले वाले जो 5 MB का अपडेट था उसमें ये फीचर नहीं था कि आप सिस्टम में सोचा डिलीट मार दे, तो उसमें ये बार बार आपको फाइल मैनेजर से आगे करना पड़ता है, इसीलिए हमने कहा था कि ये यूज़र फ्रेंडली है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।